आज हम सीखेंगे कि लेफ्ट और राइट का फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल में। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नंबर है 1 से 8 तक, और यहाँ पे हमने इक्वल टू LEFT लेफ्ट करें, और हमने लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट से कितना नंबर तक हमें चाहिए तो वो आ जाएंगे। यदि हमें लेफ्ट से पहले टेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है तो हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कॉमा देना है, उसके बाद हमें कितना नंबर तक चाहिए यदि हम चाहें तो 5 तक करते हैं, हमने 5 लिख दिया, क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। आप देख सकते हैं ये 5 तक आ चुका है। वैसे ही यहाँ पे राइट में है इक्वल टू लिखेंगे RIGHT राइट, हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है हमें, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने फिर उसके बाद हमें कितना चाहिए, हमें यदि राइट से हमें चाहिए फ्रॉम राइट टू कितने चाहिए, हम यदि हम चाहें तो 3 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, 5 करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तक का ये आ चुका है डिजिट। थैंक यू।